मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया लगभग लगभग पूरी हो चुकी है। दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में सहमति भी बन चुकी है। कुछ सीटों पर आज चर्चा होगी और रविवार यानी कि कल सभी नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अगले दिन यानी कि सोमवार को पार्टी का वचन पत्र और दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कल यानी रविवार को किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी ने सभी सीटों पर नाम तय करके केंद्रीय चुनाव समिति को नाम भेज दिए थे, उन पर आज चर्चा हुई है। वैसे तो करीब 100 उम्मीदवारों को पहले ही चुपचाप बता दिया गया था, 60 सीटों पर शुक्रवार को विचार किया गया। हालांकि बैठक में एक बार दुविधा की स्थिति बन गई थी। दरअसल हुआ ये कि बीजेपी या अन्य पार्टियों से आए नेताओं को टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर अलग अलग राय थी। टिकट देते हैं तो समर्पित जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो नाराज हो जाएंगे, और नहीं देते हैं तो फिर उनको पार्टी में इस समय लाने से लाभ क्या। अंततः तय ये हुआ कि कुछ जीतने की गारंटी पर ही टिकट दिया जाएगा, बाकी लोगों को सरकार बनने पर कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। आपको यह भी बताता चलूं कि कमलनाथ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती से भी चर्चा की जिम्मेदारी डाली है। दोनों दल कुछ सीटों पर अघोषित तालमेल बैठा सकते हैं।